उत्तर प्रदेश जिला बरेली में साफ सफाई को बेहतर बनाने के लिए मेयर ने किया अड्डे पर गाड़ियों को फीता काट कर रवाना। जी आज कितनी गाड़ियों का उद्घाटन किया गया और कहाँ कहाँ किसी क्षेत्र में घूमेंगे, क्या सुविधा है इससे दी जाएगी? देखिए आज 8 गाड़ियाँ डोर टू डोर के माध्यम के लिए दी गई हैं और 3 जेसीबी आज आ गई हैं। जो हमारी आने वाली और गाड़ियाँ हैं करीब 100 गाड़ियाँ हमारे पास और आ रही हैं, जिससे कि डोर टू डोर की व्यवस्था को अच्छा किया जा सके। जब से मैं मेयर बना हूँ हमने अपने साधन बढ़ाए हैं, लगातार हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर 80 वार्ड में मात्र 30 टेम्पुओं से कूड़ा उठता था, जो संभव नहीं है। जो संभव नहीं, कम से कम एक वार्ड में दो दो टेम्पू होने चाहिए। तो एक एक कूड़ा जो हमारी टीम अपनी काम कर रही है, एक एक टेम्पू उनको दिया गया है, और उसके अलावा जो डोर टू डोर का काम कर रहे हैं, दो दो टेम्पू हम हर वार्ड में उनको दे रहे हैं। तो मार्च तक सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी और मार्च के बाद बरेली में बहुत बड़ा बदलाव सफाई का दिखाई देगा, बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। उसके अलावा 3 जेसीबी आज आ गई हैं। एक जेसीबी ऐसी है जो अतिक्रमण पक्का कर लेते हैं लोग, उनको तोड़ने में काफ़ी सहायक रहेगी, और भी विभाग उसको हमसे ले सकते हैं किराए पर। तो काफ़ी अच्छा लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हमारा लगातार मजबूत हो रहा है, क्योंकि जब साधन होंगे तभी हम सेवा दे पाएंगे। उस सारे साधन मार्च तक मुझे उम्मीद है कि सब सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी, पूरे शहर में कूड़ा उठता हुआ भी दिखाई देगा और लोगों को वो सुविधा मिलती हुई भी दिखाई देगी। मेरा बरेली निवासियों से सिर्फ इतना निवेदन है कि कूड़ा की जब डोर टू डोर वाले लोग आएँ तो उनका सहयोग करें, उनको कूड़ा प्रदान करें। कुछ लोग अपने निजी कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का काम है। मेरा उनसे भी विनम्र निवेदन है कि इससे पहले की कोई कार्रवाई हो वो लोग ये काम बंद कर दें, और अगर उन्होंने कुछ सामान ले रखा है, रिक्शे ले रखे हैं, टेम्पू ले रखे हैं, तो वो नगर निगम को दें। नगर निगम जो उचित दर होगी उस पर उनसे वो ले लेगा, उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो कोई अन्य काम करे। और ये कूड़े का काम, डोर टू डोर का काम, ये सारा काम नगर निगम को करने दें। नगर निगम अगर उनकी ज़्यादा इच्छाएं हैं तो वो नगर निगम के साथ मिलकर काम करें। धन्यवाद।